नमस्कार, मैं हूं प्रगति। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खटीमा में विधायक पुष्कर सिंह धामी के लगातार प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को बढ़ाया जा रहा है। अस्पताल क्षमता बढ़ाने के साथ ही अब स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। वहीं कोविड सेंटर को लेकर शुरू से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कोविड सेंटर से अब तक कई मरीज सही हो चुके हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले, ऐसा उनका प्रयास है। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन प्लांट जो 400 LPM का था, उसे बढ़ाकर 1000 LPM किया जा रहा है। इस दौरान उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा नेगी, कोविड प्रभारी डॉक्टर BP सिंह, डॉक्टर संजीव मिश्रा आदि उपस्थित रहे। खटीमा से संवाददाता केदार सोनकर की ये रिपोर्ट। बहुत दिनों से हम लोग ये था कि यहाँ कोविड सेंटर बने और कोविड का हॉस्पिटल यहाँ पर चालू हो गया। कोविड का हॉस्पिटल शुरू में हमने, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर और कई सारी परेशानियाँ थी, पहले तक चालू नहीं हुआ था। इसको 20 बेड से शुरू किया था। धीरे धीरे आज हमने उसकी क्षमता को बढ़ा दिया है और आज 50 बेड का क्षमता वाला हॉस्पिटल यहाँ पर चालू हो गया है। और साथ ही साथ भविष्य में हमारा जो 100 बेड है, वो सारे के सारे 100 बेड को हम चलाएंगे। और उसके लिए जो 400 LPM का पहले यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहा था, उसको भी उच्चीकृत कर रहे हैं। वो भी अब 1000 LPM का यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाएगा। और निकट भविष्य में हमारी पूरी तैयारी है, पूरी इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा ICU है, जो वेंटिलेटर है, वो भी यहाँ पर चालू हों, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े, उनको यहाँ पर सारे इलाज की सुविधाएँ मिल जाएँ। देखिए, बात करें तो कई लोग यहाँ से सही भी होकर जा चुके हैं, क्या है उनका? देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने इस अस्पताल के सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल्स वालों को, सारे लोगों को, सारे स्टाफ को, जो नर्स लगी हैं, वार्ड बॉय लगे हैं, हमारे फार्मासिस्ट लगे हैं, लैब वाले लगे हैं, RT-PCR चेक करने वाले लगे हैं, मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत से ये जो हमने कोविड सेंटर बनाया था, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को काम आ रहा है और यहाँ से लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा रहे हैं। अच्छा, Thank you.